जहां केबीसी जबरदस्त टीआरपी बटोर रहा है, वहीं इस बार शो में अजीब अजीब वाक्य हो रहे हैं जो शो को और भी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। कभी यहां पर ज्योतिषी खुद भविष्य नहीं जानते तो कभी टीचर ही बच्चों के सवाल का जवाब नहीं जानते, और हद तो तब हो गई जब यहां पर लोगों की हेल्प करने बैठे एक्सपर्ट को ही सवाल का जवाब नहीं पता था और उसने कंटेस्टेंट को गेम से क्विट करने की सलाह दे डाली। केबीसी के कर्मवीर स्पेशल में सुनीता कृष्णन के जाने के बाद अमिताभ ने छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर में स्थित खोरमा गांव के रहने वाले जालिम साई के साथ खेल को आगे बढ़ाया। जालिम एक प्राइवेट कंपनी में एजेंट है। जैसे ही जालिम हॉट सीट पर अमिताभ के सामने बैठे, अमिताभ ने कहा, मैं आपको जालिम नहीं बुलाऊंगा, आप लग तो इतने सौम्य स्वभाव के रहे हैं तो मैं आपको सौम्य ही बुलाऊंगा। ये सुनकर सभी दर्शक हंसने लगते हैं। जालिम गुरुवार को ही शो में आ गए थे लेकिन हुटर बज जाने के कारण शो आगे नहीं बढ़ पाया था। कर्मवीर के बाद अमिताभ ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। जालिम से जो सवाल पूछे गए वो हम आपको बताते हैं। जालिम से पूछा गया कि किस कार के किस हिस्से को हाई बीम या लो बीम मोड में संचालित किया जा सकता है। इसका जवाब उन्होंने सही दिया, जो कि है हेडलाइट। उनसे पूछा गया कि इस लोकप्रिय गीत के बोल को पूरा करें, पटना हिले बलिया हिले छपरा हिलेला तेरी लचके जब कमरिया सारा। इसके जवाब उन्होंने दिया जिला हिलेला। ये लोग सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी का है जो किसी उद्योग में सक्रिय है। उन्हें एक लोगो दिखाया गया और ये सवाल किया गया जिसका उन्होंने जवाब दिया ऑयल और गैस, जो कि सही जवाब था। इसके बाद उनसे पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ के महंत भी है, उत्तर प्रदेश कहकर उन्होंने इस सवाल को भी जीत लिया। इसके बाद पूछा गया कि इस ऑडियो क्लिप को सुनकर हास्य कलाकार को पहचानिए, उन्हें राजू श्रीवास्तव की एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई, उसका इन्होंने सही जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से किसी भूमिपुत्री और भूसुता के नाम से भी जाना जाता है, सीता जवाब देकर उन्होंने ये सवाल भी जीत लिया। इसके बाद उनसे पूछा गया, एक वीडियो क्लिप दिखाई गई, फिर उनसे पूछा गया कि इस वीडियो क्लिप में इनमें से किस फिल्म के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो क्लिप थी स्त्री मूवी की और जिसका इन्होंने सही जवाब दिया। इसके बाद पूछा गया कि भारत में लंबे समय तक कारावास की सजा काटने वाली महिला कैदी नलिनी श्रीहरण 1991 से किस नेता की हत्या के आरोप में जेल में है, इसका सही जवाब देते हुए उन्होंने कहा राजीव गांधी। किस फुटबॉल टीम ने 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता है, इसका जवाब उन्होंने दिया सेना। उनसे पूछा गया कि कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति किस सब्जी के प्रकार है, इस पर उन्होंने कहा आलू। इस सवालों के जवाब तो जालिम ने दे दिए लेकिन इसके बाद के सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। जालिम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा फिल्मी गाने लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीतकार के नाम है, इसका सही जवाब समीर था लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे और इसके लिए जालिम ने एक्सपर्ट लाइफलाइन का सहारा लिया और एक्सपर्ट के तौर पर वहां मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। जब राहुल से इस सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मनोरंजन और फिल्मी जगत का ज्ञान नहीं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब गुलजार होना चाहिए लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप गेम से क्विट कर दीजिए। अब तक अक्सर देखा गया है कि एक्सपर्ट शो में सारे सवाल के जवाब दे देते हैं लेकिन इस बार देखा गया कि एक्सपर्ट को ही सवाल का जवाब नहीं पता और इसी वजह से जालिम को शो क्विट करना पड़ा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।